सच का विजय हुआ है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसला का स्वागत करते हैं। हमने शुरू से ही कहा है, हमारी प्राथमिकता देश की स्टूडेंट्स है, देश की विद्यार्थी है, उनकी भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनकी हितों को हानि ना हो पाए, ये सरकार की प्राथमिकता रही है। आज सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल जजमेंट देते हुए उसी बात को सबसे ऊपर रखा है। मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करता हूं। पिछले कई दिनों से, लगभग दो ढाई महीने से सरकार की पक्ष जो रखा जा रहा था कि इसमें कोई लार्ज स्केल ब्रिज नहीं हुई है, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सही ठहराया है। हमारी सबसे चिंता थी इस परीक्षार्थियों के अंदर जो समाज की वंचित वर्ग थे, वीकर सेक्शन थे, एससी एसटी ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, रूरल स्टूडेंट्स, आज हमें बहुत संतोष के साथ मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय को भी संज्ञान में लिया है। उन्हें अपना टिप्पणी देते हुए नो री नीट की अप्रोच में उन्होंने इस विषय को उल्लेख किया है। हमें इस वंचित वर्ग की विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में देश की विद्यार्थियों के जो परीक्षा होते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए हो, उसमें जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रीच और सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जैसे सख्त कानून को अमल में लाया है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हमारे पक्ष रखते हुए ये भी वचन दिए हैं, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कमिटेड है। इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए एनटीए की संपूर्ण रिवैम्प के लिए हमने पिछले दिनों में आप लोगों के सामने एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी घोषणा किया था। वो कमेटी अपने काम बड़े तन्मयता के साथ कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन, जो पूर्व चेयरमैन इसरो के हैं, डॉक्टर गुलेरिया जैसे देश की जाने माने चिकित्साविद भी उस कमेटी में हैं, एग्जामिनेशन एक्सपर्ट, डाटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट, ऐसे सारे माननीय सदस्य उसमें हैं। उन्होंने इस बीच में, मेरे पास जो जानकारी है, इस बीच में अनेक एक्सपर्ट्स ओपिनियन इकट्ठा किए हैं, अनेक मॉडल्स को भी उन्होंने अनुध्यान किया है। जो लोग उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं, वो सभी के ओपिनियन को, सुझाव को वो सुन रहे हैं और उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो जल्द ही वो रिपोर्ट भी आएगा और मैं आपके माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को, विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, एनटीए को
एक जीरो टेम्पर फ्री, जीरो एरर फ्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम लोग कमिटेड है। मैं और एक विषय कहना चाहूंगा, ये सारे प्रोसेस में जो अव्यवस्था हुई उसमें से जो लोग इन्वॉल्व है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई अपने काम कर भी रहा है और हम इस अव्यवस्था को, इस गुनाह में संश्लिष्ट सभी गुनहगारों को भारत सरकार कमिटेड है उसको समूल खोज निकालने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।